खुद एक गेम डेवलपर हूँ गाइस, मैं खुद एक गेम डेवलपर तू हूँ, खुद गेम मैं खुद डेवलपर है? हैक तू बनाता कुत्ता है? हूँ, कुत्ता देखा, गली का मैं खुद हैक बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई कौन ईएसपी हैकर ऊपर। है और किसके पास हैक है, ठीक है ना। तो कैसी ऑक्सीजन फिफ्थ रैंक से आ चुका है बीजेमआई कौन के लीडरबोर्ड रैंकिंग कैंप वीडियो लेकर। यहाँ पे गाइस आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ भाई, जल्दी से ना हेडफोन ईयरफोन लगा लो। इस वाले मैच के अंदर एक चीटर है भाई, उसको जो रुलाने वाला हूँ वो देखना। और यहाँ पे वो चीटर एक्सेप्ट भी करने वाला है कि वो चीटर है और वो चीट बनाता भी है ये भी एक्सेप्ट करने वाला है। तो भाई वीडियो का एंड तक देखो और उस चीटर को जो रुलाने वाला हो ना वो सीन भी आप देखना। और यहाँ पे पहले ही बोल देता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो एंड तक जरूर देख लेना। अब यहाँ पे इस बात को तो आप मानते होंगे, एक अच्छा प्लेयर अगर चीटर को मार देता है तो वो चीटर सीधा क्या बोलेगा कि भाई ये भी चीटर है, अगर उसके पास गन स्किन्स वगैरह नहीं है तो। अब यहाँ पे भाई इस टाइम तो भाई गन स्किन वाले भी गलत वाले चीट लगा के खेल रहे बंदे। तो यहाँ पे भाई इस वाले मैच के अंदर जो सीन होगा ना वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मैं दूसरे वाले इवेंट पे आता हूँ और यहाँ पे भाई ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जोन के बाहर था तो बंदे स्टार्टिंग में तो नहीं आते बट धीरे धीरे बंदा आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लूट वगैरह करता हूँ और यहाँ पे तभी एंट्री होती है एक बंदे की और यहाँ पे मेरा टीममेट भी आ चुका था। और अब यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करके और थोड़ा हेडफोन लगा के थोड़ा फुट साउंड वगैरह सारी चीजें सुनना आप। और यहाँ पे जो टैक्टिक मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको देखने से समझ में आएगी, जरूरी नहीं है मैं बोल के बताऊँ आपको। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना और अभी आप पे जो मजा आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल आने वाला है। क्योंकि मैं तो भाई इतना हंस हंस के पागल हो चुका था कि भाई घुटने में आ जाता है दिमाग जब बंदा चीट लगा के खेलता है तो समझने की और सोचने की शक्ति कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि भाई जो नॉर्मल अच्छा प्लेयर होता है ना वो दिमाग से सोचता है बट एक चीटर ना आई थिंक मेरे हिसाब से जी या फिर एल से सोचता है। मैं रिकॉल उठाता हूँ, मेरा टीममेट रिकॉल उठा के हट चुका था, ऊपर की साइड बंदे आ चुके थे। स्प्रे आया, फटाक से मैं हील मारता हूँ और यहाँ पे अब देखते जाओ भाई मैं किस पर क्या है उसको मैं। मुझे बंदा दिखता है सामने की साइड, अब यहाँ पे मैं आता हूँ ऊपर, टीममेट को कॉल दिया कि भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर एक बंदा है। और यहाँ पे इस बंदे के ऊपर मैं जो ये वाटर ब्लास्टर या फिर वाटर ब्लास्टर वाले जो बलून होते हैं वो फेंकता हूँ और उससे बंदा कहीं ना कहीं जो होता है तैरने लगता है या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि बंदा यहाँ पे। मौली क्या बंदा नीचे निकल जाता है, तभी सामने साइड एक और बंदा दिखा और इस बंदे को सीधा यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अब दूसरा वाला बंदा भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, हम यहाँ पे रुकते हैं। अब मेरा टीममेट मिड में था और सीढ़ियो की साइड था, वो बोलता है कि ऑक्सीजन में बंदे आए इधर। मुझे बंदे पे डाउट होता है और दूसरा बंदा मुझे सामने भागते हुए दिखता है इधर, तो यहाँ पे टीममेट को बोलता हूँ कि भाई बंदा मुझे सस्पिशियस लग रहा है लेफ्ट वाला जो मेरी साइड है। अब यहाँ पे इधर की साइड आता हूँ जो नीचे भागा था सामने की साइड बाहर, उस पर हेड करने के लिए ये बंदा आता है सीधा मेरे सामने पीछे। यहाँ पे एक नेड रिफ्लेक्ट करके फेंकने करता हूँ बट बंदा निकल जाता है जिस पे मुझे डाउट था। अब यहाँ पे भाई टीम मेरे को एक ही कॉल दी, थोड़ा ध्यान से खेलना। अब यहाँ पे भाई पीछे से मुझे साउंड आता है, कोई तो आ रहा है। मार दिया लो। टीममेट ने एक बंदे को डाउन किया, मैंने बोला भाई जो लेफ्ट वाला बंदा है वो डाउटफुल है। ये नॉक पड़ा मेरे पैरों में, पड़ा मेरे पैरों में, पड़ा मेरे पैरों में। अब ये क्लिप आपको मैंने तीन बार क्यों दिखाई है वो थोड़ी देर में समझाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसको भाई अच्छी तरीके से अच्छी लैंग्वेज में सुनाता हूँ। इन्होंने रिकॉल को उठा लिया और उस बंदे की तरफ से क्या एलिगेशन आते हैं वो सुनो आप। हमें पता है किसका टीममेट हैकर है, आप तुम हैकर हो भाई, हमको हैकर बोला समझे ना,
भाई इतना गंदा मार दे कि हम चीटर हैकर हो गए। मोस्टली आपको पता होगा मेरा टीममेट जो है वो पेड़ पुश वाले अकाउंट कर रहा है, जो कि मैं ही देता हूँ उसको पुश के लिए। अरे क्या पियो भी देखो, तुम्हारा टीममेट हैकर है भाई। अब यहाँ पे मेरा टीममेट थोड़ा अच्छी लैंग्वेज पे हाथ चुका था, तो मैं बोलता हूँ कि जो रहने दे, इन गंदों के मुंह मत लग। अब ये तो चीटर है और इनको इतना गंदा हमने मारा कि भाई ये हमको चीटर बोल दिए, मतलब भाई अलग ही लेवल की खुशी थी यहाँ पे। तुमको नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बंदा जाते जाते बोलता है ऑक्सीजन भाई मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बंदा चीटर है ऐसा बोल रहा है। भाई वो 200 पॉइंट के लिए खेल रहा है अकाउंट, और इस अकाउंट का ओनकर होने वाला है, और इस अकाउंट्स के पूरे स्टेट्स आपको दिखाने वाला हूँ एंड में। थोड़ा देखना आईडी को आप भी और जज करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और अभी तो देखो इस चीटर को और रुलाने वाला है थोड़ी देर में, अभी यहाँ पे आता हूँ तभी। बंदे को डैमेज तो दिया बट गाड़ी मेरे ऊपर बंदा चढ़ा देता, और यहाँ पे मैं डाउन होता हूँ। मेरा टीममेट थोड़ा दूर था और यहाँ पे लग गया, तो ये बंदे मुझे फिनिश भी कर देता है। टीममेट को बोला बंदे को डैमेज दे रखा है, तू सीधा घुसना चाहे तो घुस जा, एक बंदे को तो इजी ले लेगा। और यहाँ पे जैसे टीममेट जाता है भाई माफी, टीममेट को गलत वाला वो बंदे डैमेज देते हैं। अब यहाँ पे भाई जैसे ही मैं लैंडिंग करता हूँ, तो भाई मेरे टीममेट का थोड़े गलत सीन हो भी जाते हैं, और यहाँ पे मेरे टीममेट को बंदे डाउन कर देते हैं घुस के। और यहाँ पे किसी टट्टे का कहना था कि भाई मेरा टीममेट चीटर है और मेरा टीममेट इतना गलत वाला पिट रहा है, मतलब छी भाई। और अब यहाँ पे देखो कि चीटर कौन है, मैं या मेरा टीममेट। इन दोनों बंदों को गलत वाला फिनिश किया, और ये आपको गलत नहीं लगा होगा अभी तक, तो अब लगने वाला थोड़ी देर में और भी ज्यादा गलत, क्योंकि सामने एक और टीम आ चुकी है। और अब देखो तुम्हारा भाई इन दोनों बंदों पे कितना गलत वाला नेक्स्ट लेवल का 1v2 देने वाला है। और जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इधर आया, सामने से दोनों बंदों का मुझे रश आते हुए दिखता है ओपन से। मैं यहाँ पे स्प्रे नहीं मारता हूँ, एक बंदे को डाउन कर सकता था, बट मैं रुकता हूँ कि थोड़ा और इनको क्लोज आने देते हैं। अब यहाँ पे आया तभी सामने एक बंदा, एक बंदे को काफी गलत वाला डैमेज दिया। पीछे आता हूँ, एक पेन किलर लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ। और यहाँ पे भाई ये दोनों बंदे कुछ गलत ही कॉन्फिडेंस में लग रहे थे मुझे, और इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन करना बनता था। तो यहाँ पे आया दोनों, अब ये बंदे पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देते हैं, और टीममेट पे भी अलग से टीम आ जाती है एक और। दोनों में नीचे रुके हुए और अब देखते जाओ क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों बंदों को डाउन किया, और यहाँ पे सुनो मेरा टीममेट क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे टीममेट पे रश होता है, टीममेट फॉल बैक कर लेता है, और किसी टट्टे का कहना था कि मेरा टीममेट चीटर है, बट कोई नहीं चलता है। यहाँ पे सामने साइड से गाड़ी आती है, अब यहाँ पे टीममेट को बोला तू उड़ के देख बंदा रुका है क्या। पहले तो टीममेट को ये बंदा दिखा नहीं, बट फाइनली जैसे ही दिखता है टीममेट उसको मारता है, और उसकी लोकेशन मेरे पे आती है, और यहाँ पे एक नेट की फिन खींचता हूँ और फेंकता हूँ। और यहाँ पे सीधा यहाँ पे उतरते उतरते इस बंदे को दो हेड पड़ते हैं गलत वाले। यहाँ पे इस बंदे को सीधा यहाँ पे फिनिश करके इसके क्रेट से थोड़ी लूट करके निकलता हूँ जोन की साइड, क्योंकि जोन अभी छोटा हो चुका था, और यहाँ पे भाई पोजीशन हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई बंदे काफी ज्यादा अच्छे वाले अलाइव बचे हुए छोड़, तो यहाँ पे अपने को एज टू एज खेलना है। यहाँ पे आता हूँ थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, और यहाँ पे तभी बैक साइड भाई फायरिंग के साउंड आते हैं, और यहाँ पे जोन भी कट चुका था। टीममेट को बोला कि सामने फायरिंग के साउंड आए, अपन घुस सकते हैं, थर्ड पार्टी इजी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भाई सामने स्मोक वगैरह हो रहे थे, और यहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ी आगे जाता हूँ, तो भाई मुझे पता भी चल जाता है कि वहाँ पे एक नहीं दो टीम है, और दोनों में से कुछ बंदे बचे हुए हैं।
जिनका संशोधन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं टीममेट को बोलता हूँ कि तू राइट से जाओ, नेट करने की ट्राई कर। दो टीम है नीचे, अभी रुक नहीं सकता ना। अब यहाँ पे सामने की साइड दो टीम दिख रही थी कि एक ऊपर एक नीचे। बंदे ने अच्छा रुक किया और टीममेट ने अच्छा नेट किया। यहाँ पे एक बंदा डाउन होता है और फटाक से मैं हील मार के सीधा रश करता हूँ और टीममेट को बोलता हूँ तू उधर से रश कर। और तभी जिस बंदे को मैंने नोक किया है, मतलब मेरे टीममेट ने नोक किया है, उसके टीममेट को दूर से पड़ती है और यहाँ पे तभी फुटप्रिंट आते हैं एक और बंदे का। यहाँ पे एक मोली करता हूँ ऊपर की साइड और यहाँ पे अब मोली ने काम किया और यहाँ पे बंदा भाई सीधा मोली से फिनिश होता है। यहाँ पे थोड़ी लूट करते हैं और जोन में सीधा एंट्री मारते हैं। जोन छोटा हो चुका था, बंदे अच्छे खासे अलाइव बचे हुए थे और यहाँ पे रोटेशन भी आसपास से निकल रहे थे। टीममेट को बोला अपने को यही रुकना चाहिए और यहाँ पे जैसे ही रुकते हैं तभी देखो क्या होता है। अब एक उड़न तस्तरी और एक बग्गी की एंट्री होती है और बग्गी पे टीरन भाई होता है जिसमें से एक बंदे को जोड़ नॉक कर देता है और यहाँ पे दूसरे बंदे को दूर से पड़ती है, मतलब टीरन भाई के टीममेट को पड़ती है दूर से और यहाँ पे दोनों के दोनों फिनिश हो जाते हैं। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर हम रुकते हैं, हील मारते हैं, जैसे जोन स्टार्ट होता है तभी आगे निकलने की ट्राई करते हैं। उससे पहले देखो क्या होता है। सामने साइड फायरिंग के साउंड आए और यहाँ पे हमेशा आपको पता होगा कि रोटेशन के टाइम मैं ही आगे रहता हूँ और यहाँ पे किसी टट्टे का कह रहा था कि मेरा टीममेट हैकर है। और यहाँ पे इस बंदे को भी सीधा फिनिश किया और इस बंदे ने टीरन भाई के टीममेट को फिनिश किया था, लूट की और फटाक से जैसे ही इधर की साइड आते हैं तो भाई कुछ बंदे बचे हुए थे और जोन में भाई सिर्फ ये वॉच टावर था। और इस वॉच टावर पे वो टट्टा था जिस टट्टे की हम बात कर रहे हैं जो चीट लगा के खेल रहा है, और इस टट्टे ने काफी ज्यादा बंदे मारे हैं अगर आपने किल फीड नोटिस किया होगा तो। गाइस अब यहाँ पे मैं जैसे इधर की साइड आता हूँ तभी भाई ऊपर से उड़न तस्तरी आती है और यहाँ पे भाई देखो बैक साइड चीटर, सामने की साइड दो बंदे, दूसरे वाले को भाई मैंने मारा बट पहले वाले को काफी गलत वाला मैंने डैमेज दिया था, मेरे टीममेट ने किल चुराया। फटाक से यहाँ पे फिनिश करता हूँ इस बंदे को भी। और आप में से किसी को भी पुश वगैरह करवाना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना और यहाँ पे सारी सारी बातचीत अपन वहाँ कर लेंगे। और यहाँ पे सामने की साइड से मुझ पे चीटर का रश आते हुए दिखता है, टीममेट अलग साइड से उड़ता है और मैं अलग साइड से उड़ता हूँ। और यहाँ पे भाई चीटर का तो भाई कॉन्फिडेंस कुछ गलत ही था बट यहाँ पे भाई उसको नहीं पता कि उसके पप्पा है। यहाँ पे गलत बंदे ब्रश कर रहा है, टीममेट ने नोक किया। जो बंदा चीटर था वो मेरे सामने था और चीटर की देखो कितनी फटती है, इसका टीममेट तो नोक पड़ा है। और यहाँ पे भाई ये टट्टा भाई देखो भाई चीट लगा के कितना गलत वाला भाग रहा है। अब बहुत सारे बंदे होंगे कॉमेंट सेक्शन में जो बोलेंगे भाई चीटर नहीं है, चीटर नहीं, अभी तो रुको, तुम्हारे बोलने से नहीं हो जाता ठीक है ना, तुम्हारा टीममेट है। अब इसको सुनाया और तभी अरे तुम्हारा टीममेट है कर दो है भाई सुन, अब यहाँ पे अभी भी नहीं मानते ये बंदा कि मेरा टीममेट चीटर नहीं है। अरे सुन ना, अरे सुन सुन मैं तुम्हारा, अरे सुन यार सुन, मैं तुम्हारा वीडियो भी देखता हूँ पता है ना, तुम्हारा नहीं देखता हूँ ठीक है ना, डुओ में बहुत बंदे का देखता हूँ। अरे सुन भाई, और अभी एक्सेप्ट करने वाला है, गेम डेवलपर मैं खुद ही तू खुद गेम डेवलपर है, कुत्ता है कुत्ता गली का, मैं खुद हैक बनाता। सुना आपने, तो मुझे पता है कि भाई कौन ईएसपी हैकर है और किसके पास हैक है ठीक है ना, तो टीममेट के पास। अब इस टट्टे ने फ्लो फ्लो में सब कुछ अपने मुंह से हग दिया और यहाँ पे इस टट्टे को पता नहीं है कि ये बैन होने वाला है। अब यहाँ पे डे वन या डे टू पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें टट्टे से पाला हुआ था लाइव स्ट्रीम पे, थोड़ा बदतमीजी से बात हुआ था, तो उस बंदे को तो अपने बैन करवा दिया था। क्या तू करेगा, तू अपने टीममेट का रिकॉर्डिंग देगा यूट्यूब पे? और भाई साहब तुम थोड़ा वेट कर लो, रिकॉर्डिंग क्या, हम तुमको पूरा प्रूफ देंगे, तुम जो बैन होने वाले हो उसका वेट कर लो। अब यहाँ पे अगर मेरा टीममेट चीटर होता है ना तो भाई इसके टीममेट का पता होता है कि भाई इसका टीममेट रश कर रहा है।
अरे नहीं अब यहाँ पे मेरे टीममेट को तो मैंने सुनाया कि तुझे ध्यान देना चाहिए था उड़ते उड़ते, और यहाँ पे मुझे प्लस तो मिलता है 27 का चीटर लोबी के अंदर। और एक बार इस टट्टे का भाई जो जी और एल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है, उसका एक बार डेथ रिप्ले भी देख लो। मतलब जो इसने हमको मारा है इस टट्टे ने, देखो यहाँ पे देखो भाई, मतलब कितना गलत वाला चीट यूज कर रहा, देखते जाओ। देख रहे हो कितने कुत्ते की तरह भाई चिल्ला रहा था वो टट्टा, और उसका टीममेट कितना गलत वाला चीट यूज कर रहा है, और वो भी कर रहा था, बट यहाँ पे इन दोनों की स्टार्टिंग में चली नहीं तो इनको घोड़ी बनाया। बट यहाँ पे भाई अभी गलत वाला सीन हुआ थोड़ा टीममेट की वजह से, बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरा टीममेट जो अकाउंट खेल रहा है, जो पुश वाला अकाउंट अपने पास आ रखा है, थोड़े उसके स्टेट्स वगैरह देख लो, और यहाँ पे भाई इस अकाउंट को अपन आज को अनकर कर देंगे। बाकी अगर मेरा टीममेट चीट रहा होता ना तो टट्टे ऐसे माइनस नहीं लगे होते, जो कि दो मैच खेले थे, मेरे को 40 का माइनस लगा, मेरे टीममेट को 38 का माइनस लगा था एक मैच पहले ही। तो मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फैमिली हैंड बाबा, ऐसे टट्टे तो मिलते रहेंगे अपने को। वापिस नहीं लगो।